दोस्तों आप सभी को मेरा सबको नमस्कार। नमस्ते, प्रणाम। हाँ, द अवेकनिंग कार्यक्रम में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। रेकी हीलिंग फाउंडेशन की तरफ से हमारे साथ आज भारत से काफी लंबे समय से जो रेकी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वैसे रेकी आचार्य, रेकी ग्रैंड मास्टर भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आज का विषय, जैसे कि आपने हमारे थंबनेल में देखा ही होगा, कि सदगुरु का महाछूट। दोस्तों, हमें अच्छा तो नहीं लगता है इस तरह का शब्द इस्तेमाल करना, लेकिन सचमुच में ये वास्तव में सदगुरु का जो है एक बहुत बड़ा अपने आप में झूठ है। ये जिन्होंने रेकी के बारे में कुछ ऐसे कमेंट्स किए हैं कि जो रेकी विद्या को थोड़ी क्षति पहुंचा रहे हैं। अब चूंकि हम रेकी क्षेत्र में, हम इतने दुनिया भर में कई मास्टर्स काम कर रहे हैं, और रेकी क्षेत्र में एक ऐसा विषय जिसके बारे में कई आध्यात्मिक गुरु बिल्कुल जानते नहीं हैं, या उसके बारे में गहराई में कभी गए नहीं हैं, और उसके बारे में अगर कोई इस तरह के कमेंट करते हैं तो अफसोस भी होता है कि एक ऊंचे पद पे बैठे हुए व्यक्ति इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ पूरे विश्व भर में आज इतने पादरी है, मौलवी है, कई तरह के पंडित है, बाबा है, संत महात्मा है, किसी ने भी आज तक रेकी के बारे में कभी कोई नेगेटिव कमेंट्स करते हुए मैंने सुना नहीं है, देखा नहीं है। लेकिन आज जिस पद पे वो बैठे हुए हैं उस पे इस तरह का उनका कमेंट करना थोड़ा हमारे लिए ऑब्जेक्टेबल है, मैं यूँ कह सकता हूँ। मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे भारतीय परंपरा को और हमारे हमारे आध्यात्मिकता को बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया है, उन्होंने लोगों के जीवन में बदलाव लाया है। लेकिन इस विषय के ऊपर आज हमारा फोकस रहेगा कि इस तरह से कहने का उनका अर्थ क्या है, और हमारे सारे और भी जो मास्टर जुड़े हैं मैं उनका भी अभिप्राय सबके सामने रखूंगा, ताकि एक सामान्य जनता के सामने ये संदेश जाए कि आज रेकी जैसी महाविद्या, यानी कि मैं इसको तो महायोग, परम योग कहता हूँ, कि जो ऐसी अद्भुत विद्या को जो है आज हम सब उसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये विद्या जो है अमूल्य है हमारे भारत के लिए। सबसे पहली बात तो यहाँ पे हमें क्या समझनी है कि जहां पर एक तरफ सदगुरु जैसे आध्यात्मिक लोग आज रेकी के बारे में इस तरह का कमेंट करते हैं, वहीं पर आज भारत में जब रेकी का आगमन हुआ तो आप सबको जानकर के हैरानी होगी कि ओशो जब थे कोरेगांव पार्क में, उस समय बाहर से काफी विदेशी लोग आकर उन्होंने रेकी का वहां पर प्रचार शुरू किया, और उनके माध्यम से भी रेकी का बहुत जबरदस्त प्रचार प्रसार शुरू हुआ। और तो एक तरफ हमारे हमारे अपने ही ओशो, जो आज विश्व प्रसिद्ध हमारे सदगुरु है, आज उनके माध्यम से ऐसी विद्याओं का प्रचार हुआ, और एक तरफ जो है उसके बारे में थोड़ा सा विरोध जो है स्वर उठाया जाता है, तो ये थोड़ा सा सोचने लायक हो जाता है। सबसे पहली बात, आज सदगुरु इस बात को नकार रहे हैं कि 5,000 साल पहले हमारे वेदों में जहां इस प्रकार के उद्घोषणा कर दी गई थी, हमारे वेदों में, ऋग्वेद में इसके मंत्र है वास्तव में, कि जहां पर यह कहा गया कि ये हमारे हमारे हाथ जो है औषध युक्त है, स्पर्श वाले हैं, और इतना स्पष्ट उसमें सब कुछ कहा गया है कि जिसके बारे में कोई शक करने की गुंजाइश ही नहीं है। तो सबसे पहली बात तो मेरा मानना क्या है कि आज हमारे वैदिक स्क्रिप्चर को भी वो एक प्रकार से नकार रहे हैं, क्योंकि सदियों पहले जो आज विद्या को रिकॉग्निशन कर लिया गया, आज उसके बारे में भी जो है वो एक प्रकार से वो स्वीकृति नहीं दे पा रहे हैं, मैं ये ऐसे मान के चलता हूँ। और दूसरी बात है कि आज विश्व भर में इतने हजारों मास्टर्स, रेकी मास्टर, इतने ग्रैंड मास्टर, और कम से कम मैं समझता हूँ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल हैव लर्न रेकी, यानी कि इतने अब तो करोड़ लोग हो गए होंगे, इतने करोड़ों लोगों ने रेकी सीख ली है। हमारे खुद के ऑर्गेनाइजेशन में आज 8.5 लाख विद्यार्थी है, तो बाकी इतने सब मास्टर अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कितने उनके स्टूडेंट्स होंगे, ये एक बड़ी सोच समझने की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो देखिए, दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, यानी कि दूसरी कोई चिकित्साएं इतना आदर पूर्वक इस्तेमाल की गई कि नहीं गई मेडिकल साइंस में,
उतना रेकी को बहुत ही आदर पूर्वक मेडिकल साइंस में इस्तेमाल किया गया। आज अगर आप गूगल में जाएंगे, आप टाइप करेंगे रेकी इन मेडिकल हॉस्पिटल, तो इतने हॉस्पिटलों में अमेरिका में ही कम से कम 800 से ज्यादा हॉस्पिटल्स में रेकी का उपयोग हो रहा है और नर्सेस को स्पेशली ट्रेन किया जा रहा है। रेकी के ऊपर बहुत सारी मेडिकल रिसर्चेस हो रही हैं और सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे अपने ही भारत में आज ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर उनके डायरेक्टर के साथ हमारी चर्चा करीब 5-6 महीने से चल रही है। वहां पर वो हमें इंसिस्ट कर रहे हैं कि हम वहां पे रेकी का रिसर्च करें और वहां पे रेकी का एक जो है वार्ड या विंग वहां पर खोलकर इसके ऊपर काम करें। अभी अभी रिसेंटली मेरा 1-2 महीने पहले वहां पे मेरे रेकी के ऊपर एक बड़ा जो है मेरा लेक्चर हुआ था वहां के डॉक्टरों के लिए। तो कहने का मतलब है कि जहां मेडिकल साइंस इतना इसको आराम से अपना रही है, और अगर आप देखेंगे कि 500 से ज्यादा अच्छी अच्छी किताबें आज विश्व भर में आज रेकी के ऊपर लिख दी गई है, तो क्या हम ये मान के चल पड़े कि ये सब लोग जो है वास्तव में मतलब पागल है, या ये विद्या में कोई दम नहीं है, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? और सबसे बड़ी बात है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि अभी अभी लीवर ट्रांसप्लांट जो होने वाला था वो 24 घंटे में टल गया। आप जरा सोचिए, किसी को ब्रेन स्ट्रोक आ गया तो उसने 24 घंटे में अपने आप को 3 ब्रेन स्ट्रोक से बाहर निकाल दिया। किसी ने हमारे यहाँ पे कई जो है जानवर कैंसर से पीड़ित थे, 1 महीने में मेरे हमारे हीलर ने ठीक कर दिया। ऐसे में हजारों किस्से सिर्फ मैं ही नहीं, पूरे विश्व भर के अगर मैं लोगों को इकट्ठा करूं तो वो इस प्रकार की बातें हमें बता सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि इतनी महान विद्या जो कि एक सामान्य आदमी सीख कर अपने जीवन को रोग दवा डॉक्टरों से मुक्त कर रहा है, तो कहीं क्या ये आध्यात्मिक गुरुओं में कहीं कोई हीनता का भाव आ गया है क्या? दे आर फीलिंग सामान्य लोग जो हाथों से स्पर्श करके बड़े बड़े काम कर रहे हैं और लोगों को लाभ दे रहे हैं, और जबकि मैंने भारत में इतने सारे हमारे अध्यात्मिक गुरु हैं, मैंने तो आज तक किसी को रेकी या हाथों के स्पर्श से या टेलीपैथी से डिस्टेंस से किसी को हीलिंग करते हुए मैंने तो आज तक कभी देखा तो नहीं है। हो सकता है कोई जानते होंगे, करते भी होंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिलहाल मेरी जानकारी में नहीं है। हो सकता है आप लोगों की जानकारी में हो तो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। तो इस तरह से तो यहाँ पे बस यही मेरे सामने प्रश्न था कि जब सारे सारा आध्यात्मिक जगत जो है आज इससे अनजान है इस विद्या से, ये मेरे लिए भी आश्चर्य का विषय है कि ये तो उन लोगों को प्रचार प्रसार करना चाहिए, ये तो जबकि हम जैसे सामान्य लोग हम इसका आज प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज आप लोगों ने अपना समय निकालकर आज हमारे साथ आप जुड़े हैं, तो मैं सबसे पहले तो मैं डॉक्टर संगीता का कमेंट ही सुनना चाहूंगा के सदगुरु के इस कमेंट के बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। सभी लोगों को प्रणाम। मैं 30 साल से इस रेकी फील्ड में काम कर रही हूँ और मेरे जितने भी स्टूडेंट सब जानते हैं, और 30 साल में मैंने कई लोगों को रेकी सिखाई है, कई लोगों का रेकी से उपचार किया, लाखों लोगों का मैंने रेकी से उपचार किया है। मैं नहीं जानती कि कैसे कर्म बंधन होता है। कर्म बंधन तो मैं समझती हूँ वो होना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है उसका हम सहयोग करते हैं तो उसमें हमारा कर्म बंधन हो सकता है। अगर हम रेकी उपचार करके किसी को आराम दे तो वो आदमी हमें दुआ देता है, बद्दुआ नहीं देगा, तो कैसे कर्म बंधन होता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर उपचार करने से, ट्रीटमेंट करने से, कुछ ऐसा करने से अगर कर्म बंधन होता है तो हमारे डॉक्टरों को किसी का भी ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, हॉस्पिटल में किसी को भी नहीं जाना चाहिए, सबको अपने कर्म बंधन पे छोड़ देना चाहिए, जैसे भुगतना भुगतो और मरो। फिर तो किसी को भी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, हर एक डॉक्टर कर्म बंधन में आता है इलाज करके किसी का भी। तो रेकी इतनी सरल विद्या है और इतनी अच्छी विद्या है कि जिसको एक साधारण व्यक्ति भी सीख के अपना लाभ ले सकता है, अपने परिवार को ठीक कर सकता है, अपने आप को ठीक कर सकता है। और मैं नहीं जानती कि ये जो महान संत महात्मा जो भी है, जो भी इसके बारे में जो बोल रहे हैं कि रेकी करने से कर्म बंधन होता है, मैंने अभी तक ऐसा कोई कर्म बंधन नहीं देखा। बाकी आप लोगों से मैं सुनना चाहूंगी कि क्या वाकई में कर्म बंधन करती है या कर्मों से मुक्ति देती है। दोस्तों, रेकी में सबसे पहली बात तो हर एक को समझनी जरूरी है कि रेकी में क्या है। एक
प्राण ऊर्जा है यूनि ब्रह्मांड से आती है, अच्छे भाव, हम अच्छे, हम माध्यम बनते हैं उसके। एक जीवनी शक्ति है, एक प्रेम है, एक समर्पण है, एक दया है, एक करुणा है, एक सेवा का भाव है। तो क्या है देखी मैं जो कर्म बंधन बन जाएगा भाई, ये एक बड़ी सोचने की बात है अपने आप में। तो चलिए मैं सबसे पहले हमारे गजानन जी को बुलाना चाहूंगा। गजानन जी हमारे महाराष्ट्र से हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हुए भी रेकी के अंदर बहुत गहराई से काम कर रहे हैं और जगह जगह जा जाकर रेकी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो मैं चूंकि उन्होंने बहुत हजारों लोगों का अनुभव प्राप्त कर लिया है, तो मैं जरा सुनना चाहूंगा। गजानन जी प्लीज आप बताइए। बिल्कुल मेरी आवाज आ रही सर? आ रही, बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल आ रही। तो सबसे पहले तो मैं रेकी माँ को धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे इस महायोग के लिए चुना है। मैं मेरे गुरुओं को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे ऐसा ज्ञान दिया है कि जिससे मेरा, मेरे परिवार का और हजारों लोगों का भला हो चुका है। लाखों लोग रेकी सीख चुके हैं। मेरे पास कम से कम 40,000 से ज्यादा लोगों ने रेकी सीखी है, और इंडिया के कोने कोने में और दुनिया के 10 देशों में मेरे ग्रैंड मास्टर लोगों को रेकी सिखा रहे हैं। रहेगी रेकी की बात कि रेकी से क्या कर्म बंधन बनता है, वो तो मैं 2 मिनट के बाद बोलूंगा, लेकिन उसके पहले मैं ये बोलूंगा कि एक पंछी को अगर किसी ने तीर मार दिया और पंछी आपके सामने नीचे गिर गया, और आपके हाथ में वो ताकत है कि वो पंछी के ऊपर हाथ रखते से वो उड़ सकता है, तो क्या आप उस पंछी को मरने देंगे या उसको रेकी देंगे? ये तो बिल्कुल बिल्कुल सवाल है। सही बात और दूसरी बात तो यह कहे कि मेरे यहाँ एक ऐसे व्यक्ति, गोपाल अग्रवाल उनका नाम है, मेरे गांव से रहते, महाराष्ट्र से, खामगांव से, मेरे पास प्रूफ है। कम से कम अगर प्रूफ देने लग जाऊं तो 7 से 8 हजार प्रूफ मेरे पास में है। वो व्यक्ति 7 साल से नीचे नहीं बैठा था, वो खुद रेकी सीखकर अपना रेकी करके नीचे बैठ रहा है, वो सारे गांव को बोल रहा है, सारे रिश्तेदारों को बोल रहा है, वो ठीक हो रहे हैं। तो रेकी से जब क्या होता है, ये तो आप रेकी के बारे में बोलने के पहले आप मुझे फोन करो, मैं आपका डिस्टेंस में हीलिंग कर दूंगा, उसके बाद आप रेकी के बारे में बोलो, मैं ये बोलूंगा। और अगर कोई किसान है और वो डॉक्टर के जगह जाकर बैठने का प्रयास कर रहा है, अगर कोई इंजीनियर है और वो डॉक्टर के जगह या किसान के जगह जाकर बैठने का काम करने का प्रयास कर रहा है, मेरे ख्याल से ये गलत है। क्योंकि रेकी के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप अच्छा नहीं बोल सकते हैं, तो आप रेकी के बारे में गलत बोलने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है। मैं बिल्कुल सबको इतना बोलूंगा कि रेकी क्या कर सकती है, ये तो हम बोल बोल के थक गए, क्योंकि हमारे पास तो हजारों प्रूफ है कि रेकी क्या कर सकती है। रेकी कुछ भी कर सकती है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकती है। ऐसे कई उदाहरण मेरे पास प्रूफ है, लाइव प्रूफ है, वीडियोस है मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने डाले हुए। लेकिन आज मैं यहाँ पर इस मंच पर इतना बोलना चाहूंगा कि मेरे गुरुजी और गुरु माता ने मुझे यहाँ पर 2 मिनट बोलने का अवसर दिया, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं उनका, धन्यवाद करता हूँ। मैं इतना बोलना चाहूंगा सब लोगों को कि रेकी के बारे में अगर कोई भी बोले, तो उसको आप इतनी भाषा बोलिए कि क्या आप रेकी जानते हो क्या? वो रेकी नहीं जानता, इसीलिए वो रेकी के बारे में बोल रहा है। अगर आपको रेकी के बारे में जानना है तो नहीं जानना है तो आप हमारे फोन कीजिए, हम ऑनलाइन आपको चमत्कार करके दिखाते हैं। और इतना ही नहीं, 15 मिनट और आधा घंटा, हम तो बोलते 30 सेकंड के अंदर आपको चमत्कार नहीं दिखा तो आप जो चाहे वो हमारे ऊपर कर सकते हो। रेकी के इतने इतने चमत्कार हमारे सेंटर पर हुए, हमारे गांव में हुए, हमारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, और लोग रेकी के बारे में इधर उधर की बातें कर रहे हैं। ये मुझे बहुत दुख हुआ। हालांकि मैं उनको फॉलो करता था, उनकी वीडियो सुनता था, लेकिन जिस दिन उन्होंने रेकी के बारे में गलत बोला, उस दिन से मैंने उनके वीडियो देखना बंद कर दिया, मैंने उनको अनसब्सक्राइब कर दिया। ये मैं लाइव बात कर रहा हूँ, क्योंकि रेकी माँ मेरी माँ है, रेकी मेरी माँ है, हम सबकी माँ है। और रेकी के बारे में, इस ईश्वरीय ऊर्जा के बारे में अगर कोई कुछ बोलता है तो हम कैसे सहन करेंगे? क्योंकि हम तो देख रहे हैं ना, 5 साल से मेरे दोनों गुरुजी यहाँ पर है, डॉक्टर आशुतोष जी बोगुना, जिनसे मैंने रेकी सीखी थी, उसके बाद मैंने गुरुजी और गुरु माता से रेकी सीखी, और आज दुनिया के कोने कोने में हमारे ग्रैंड मास्टर मास्टर रेकी सिखा रहे हैं। मेरा एक विश्व रेकी अभियान नाम का फाउंडेशन है जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ, मेरा बिजनेस भी है। लेकिन आज मुझे गुरुजी ने अवसर दिया है रेकी के बारे में बोलने का, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जब भी इसके बाद भी अगर कोई बिल्कुल रेकी के बारे में गलत शब्द बोलेगा, तो वहां पे उसके नीचे, वीडियो के नीचे मेरा कमेंट हर वीडियो में जाएगा, इतनी पक्की बात है। धन्यवाद सर, बिल्कुल थैंक यू। हाँ बिल्कुल गजानन जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए क्या होता है,
एक कोई एक आदमी जैसे कोई यूं हो रहा हो कि जैसे कोई एलोपैथ आदमी कोई होम्योपैथी के बारे में चर्चा कर रहा हो, जबकि उस विज्ञान को वो जानकार नहीं है। तो इसलिए मुझे क्या लगता है कि कम से कम एक आध्यात्मिक गुरु से हम ये आशा कभी नहीं कर सकते थे कि वो इस तरह के कमेंट कर सकते। खैर, हमारे साथ में इंदौर से जो है, मैं चूंकि जो थोड़े बहुत ही बड़े बड़े मास्टर से जरा मैं उनको पहले बुलाना चाहूंगा, जैसे उषा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है इंदौर से, जिन्होंने देखी के अंदर बहुत लंबे समय से काम किया है, पूरे मध्य प्रदेश से लेकर और भी कहीं पूरे भारत भर में उन्होंने रेकी का खूब प्रचार प्रसार किया है, और बड़ा अनुभव है, बड़ी डेडिकेटेड है, बहुत डिवोटेड एक बड़ी ऊंची आत्मा है। तो मैं उषा जी, जरा प्लीज आप जरा बताइए 1-2 मिनट में जरा इसके बारे में। नमस्कार, आप हाँ सुन जी, पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, हाँ जी, सुन रहे, सुन रहे। सबसे पहले तो रेकी का सद्गुरु के प्रति, जो सद्गुरु का रेकी के प्रति विचार है, उस विचार का खंडन करने के लिए हमें रेकी को वहां पर इस तरह से बताना पड़ रहा है। यही मुझे अपने आप में बड़ा अलग सा लग रहा है, क्योंकि रेकी का वास्तव में अर्थ ही क्या है? जिस चीज को वो जी रहे हैं, जिस ईश्वरीय शक्ति को वो जी रहे हैं, वही शक्ति से हम काम कर रहे हैं। जिस चीज से हम लोगों को, यदि इस विधा के साथ हम सभी लोगों का कि हर तल पर, चाहे शरीर के तल पर, मन पे, भाव पे, मटेरियलिस्टिक लाइफ में, कहीं भी यदि इस विधा का यूज करके हम वहां पर काम कर रहे हैं, तो वहां हमारा कार्मिक लेयर कैसे हो सकता है? जैसा कि अभी सरिता जी ने बताया, मैं बिल्कुल उनकी बात से ही एग्री हूं कि यदि ये चीज है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि दुनिया में किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी विधा होनी ही नहीं चाहिए जहां ना डॉक्टर्स होना चाहिए, ना वैद्य होना चाहिए, ना कोई दूसरी चीज होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति तो कर्म से अपने अपना जीवन जी रहा है, तो उसका कार्मिक लेयर है, उसको छोड़ देना चाहिए। सही बात है बिल्कुल। यदि कोई पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाता है, तो क्या वो डॉक्टर को एक्चुअली इस चीज को वो समझ, ये चीज है कि डॉक्टर को नियति ने चुना है उसके लिए, और नियति ही उस डॉक्टर के द्वारा उसको ठीक करना चाह रही। एग्जैक्टली हम लोग भी यही कर रहे हैं कि प्रकृति ने हमें चुना है, हम इस विधा में आए हैं, और हम इस विधा के द्वारा जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमारा अपना तो कुछ है ही नहीं। हम कौन होते हैं जो हम कुछ कर सकते हैं? हमको प्रकृति ने चुना है, तो हम प्रकृति के द्वारा बताए गए कार्य को कर रहे हैं, जहां हमारा अपना मैंपन तो कुछ भी नहीं है, तो कार्मिक लेयर कैसे आ सकते? कर्म का बंधन हमारे ऊपर उस दिन होगा जिस दिन हम ये कहने लगेंगे कि मैं रेकी कर रहा हूं। ये पॉसिबल है ही नहीं। जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं रेकी कर रहा हूं, मैं रेकी कैसे हो सकता है? रेकी हमसे डेस्टिनी करवा रही है, हम लोग सिर्फ मीडिएटर हैं। और जब हमारी भावना पूरी तरह से डेस्टिनी के साथ है, मीडिएटर होने की है, तो वहां तो हम सिर्फ सिर्फ निमित्त मात्र है, और जहां भावना ही निमित्त मात्र की है, तो वहां तो किसी भी तरीके का कर्म का बंधन होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं सद्गुरु के साथ बहुत गहराई से जुड़ी हूँ, मैं उनको बहुत नमन करती हूँ, मेरे अंदर उनके प्रति बहुत अच्छी भावना है, लेकिन ये उनकी फीलिंग किस लिए आई है मुझे नहीं मालूम कि क्यों वो इस भाव को लेकर आए हैं, क्या बात है। यदि हम सोचे कि इस विधा से कार्मिक लेयर होते, तो इट मीन्स गुरुदेव सद्गुरु भी इस चीज से जुड़ रहे हैं, क्योंकि सद्गुरु भी तो किसी न किसी को चाहे वो आध्यात्मिक रूप से उत्थान कर रहे हैं, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे मन से, चाहे भाव से, उनका करने का तरीका हो सकता है कि मंत्रों के साथ हो। मंत्रों के साथ है तो मतलब क्या हुआ? आखिर तो वो ध्वनि के साथ कर रहे हैं ना, वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब ये है कि जो भी विधाओं को वो यूज कर रहे हैं, तो क्या वो सद्गुरु की है? तो इसका यदि ये कहते हैं सद्गुरु की ये मैं कर रहा हूं, तो हजारों लाखों की कार्मिक लेयर सदगुरु के ऊपर भी आ रही। मैं इस चीज से बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती कि हम जो काम कर रहे हैं उसका हमारे पर कार्मिक लेयर के। और मैं एक सबसे बड़ी चीज ये जानना चाहती हूँ, या मैं सोच भी रही हूँ कि हम इस चीज का क्लियरिफिकेशन दे ही क्यों कि हम गलत हैं।
या रेकी से कुछ भी चीज गलत हो रही है, क्योंकि रिजल्ट हमारे सामने है। आज मैं 35 साल से इस काम को कर रही हूँ, परमात्मा ने मुझे पिछले 35 साल से इस कार्य के लिए जोड़ा है। एक सांसारिक स्त्री होकर जो पूरी तरह से संसार को जी रही है, यदि उसमें हम लोगों को परमात्मा ने चुना है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं हमको इन सब कार्यों के लिए चुना गया है, और जिसे हम संसार को जीने के साथ साथ भी पूरी तरह से पूर्णता के साथ कर रहे हैं। और यदि ये हम कर रहे हैं, तो ये हमारा कार्मिक लेयर ऐसा नहीं है जहां हम पे निगेटिव इम्पैक्ट आएगा, बल्कि ये है कि हम हमारे पुराने कार्मिक लेयर्स को रिलीज कर रहे हैं। हमारे जीवन वंडरफुल में जो पहले हमारे होंगे, उनको हम आज के जीवन में रिलीज करके हम हमारी मोक्ष की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि इसके साथ, क्योंकि यदि ये कहीं निगेटिव होता तो हमारे साथ में 35 सालों में न जाने कितने लोगों का कल्याण हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल न सही जाने कह रहे। कितने। हमारे हमारे साथ तो में भी यही है। हम ये भी दिनों चीज, दिनों दिन रेकी ने हमें ऊपर उठाया है, न कि नीचे गिराया है। हाँ, जब दिनों दिन हमारे जीवन में जितना बहुत खुशियां आई हैं, बहुत सुख आया हुआ है। अगर कर्म जितना का नहीं हमने होता तो उसका रेकी, इफेक्ट हमारे पे, हमारे परिवार पे आना चाहिए। जितना हमने रेकी को जिया है, उतना हमारा जीवन के प्रति स्वीकार भाव बढ़ा है। बिल्कुल हमने जीवन को जीने का तरीका सीखा है रेकी से। रेकी वो शक्ति है जिससे हमारे जीवन के अंदर आने वाली हर परिस्थिति के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति, हर चीज के प्रति हमारे अंदर स्वीकार भाव आया है। तब हम हर तरीके से अपने आप को प्रसन्न चित्त रख के दूसरे को भी रखने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत जो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे, उषा जी, आपने बहुत ही वंडरफुल ढंग से, और बहुत खैर सुंदर, आप तो अनुभवी हैं इसलिए आपका जैसे आपका एक एक शब्द जो है बहुत अमूल्य है। और लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है जो आपने बताई कि जब हम रहे ही नहीं, हम रेखी में हम होते ही नहीं बीच में, तो फिर संस्कार जाए पड़ेगा किस पे, कौन है किस वहां पर पे? संस्कार को ग्रहण करने वाला। सच बात वंडरफुल, है ना। चलिए थैंक यू। ओके ओके हाँ, हमारे साथ में आशुतोष बहुगुणा जी जो हमारे बहुत ही सीनियर हमारे रेखी ग्रैंड मास्टर है, और बहुत ही इन्होंने रेखी का खूब काम किया है, प्रचार प्रसार किया है, यूट्यूब पे बड़े पॉपुलर हैं, और सबसे बड़ी आते हमारे आर्मी में है, सॉरी एयरफोर्स में शायद, और इतने लंबे समय से इसमें जुड़े हुए हैं, बहुत गहरा अनुभव है। तो मैं आशुतोष जी आपका स्वागत करना चाहूंगा कि आप जरा बताइए इसी विषय को लेकर। सबसे पहले गुरु माँ और गुरु जी को चरण वंदन। थैंक रेकी जैसे कि गुरु जी ने शुरू से ही सिखाया है कि हम सब माध्यम है। जो पहली क्लास थी जिसमें सविता माँ, डॉक्टर सविता सबको बता रही थी कि आप चैनल हैं, आप अपने को हीलर बोलेंगे ही नहीं। तो ये जो बात अभी इससे पहले हो रही थी वो यही कि हम एक निमित्त मात्र हैं। ब्रह्मांड एक कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट है जिसमें हम एक शुद्ध आत्मा है जो कई बार इस धरती पे जन्म लेती है, और जैसे जैसे समय का चक्र चलता रहता है अपने कर्मों का हम निर्वाह करते रहते। इसमें से कुछ हैं जो पूर्व निर्धारित है जिसको हम बोलते हैं कि हमारे प्रारब्ध हैं, कुछ हैं जो हम अभी डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो असल में डिस्कशन हो रहा है वो इसका है कि जो हम अभी डिसीजन ले रहे हैं, क्या वो हमें किसी कर्म बंधन में बांध रहा है। सबसे पहली बात तो जो अभी करी थी कि हम निमित्त हैं, ना तो हम किसी की हीलिंग करते हैं और ना ही हम उसमें कुछ बहुत ज्यादा, हमारा बस इतना योगदान है कि प्रार्थना के माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से, कुछ उपकरण जैसे क्रिस्टल्स हो गए, लैंप हो गया, विशलिस्ट हो गई, इन सब के माध्यम से हम भाव जगाते हैं और किसी को अच्छी ऊर्जा देते हैं। जैसे कि पूरे ब्रह्मांड के लिए गायत्री मंत्र जैसा पढ़ना हुआ या शांति पाठ पढ़ना जैसा हुआ, तो वैसे ही प्रार्थना के भाव से हम किसी को अच्छी ऊर्जा किसी के बदलने का प्रयास करते हैं। और असल में जो हीलिंग होती है वो उस व्यक्ति की सेल्फ हीलिंग पावर की वजह से होती है। तो हमारा काम कितना रहा, हमारा काम तो केवल ब्रह्मांड से प्रार्थना करने का रहा कि इनकी ऊर्जा आप अच्छी कर दीजिए। ठीक, उन्होंने अपनी सेल्फ हीलिंग पावर से होना है और अपने कर्मों का जो भी बैलेंस है उसके हिसाब से उनको रिजल्ट मिलने। तो अगर हम अपने को बिल्कुल ही इस स्वरूप में रखते हैं
कि हम ब्रह्मांड को समर्पित हैं, ब्रह्मांड ने हमें आदेश दिया है कि किसी के लिए सुकर्म करें, तो इसमें नेगेटिव कार्मिक बैलेंस का कोई सवाल ही नहीं उठता। दूसरी बात, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पॉपुलैरिटी के लिए जो करंट टॉपिक्स होते हैं उसमें सेंसेशन क्रिएट करना, ये काफी एक ट्रेंड रहा है। जैसे अब सबसे पहले तो हम सद्गुरु उपाधि के उपयोग की ही बात करें, तो दुनिया में एक ही सद्गुरु हैं, वो हैं श्री हरि विष्णु जी, वासुदेव माधव जी। उनके अलावा इस टाइटल को यूज करने का अधिकार किसी को नहीं है। और यहाँ हम बहुत देखते बढ़िया। हैं कि सब अपने नाम के आगे रख देते हैं। आप एक पुराना वीडियो देखेंगे जिसमें डॉक्टर दीपक चोपड़ा बैठे हैं श्री जग्गी वासुदेव जी के साथ, बाकी सब उन्हें सद्गुरु बोल रहे थे, उन्होंने नाम से एड्रेस किया था, तो हमें रियलाइज हुआ कि हाँ ये कुछ तो है। तो जब हमने ढूंढना शुरू किया आगे अनुभव से, एक गुरु से, ये बात हमें समझ आई कि जो हमारे शास्त्रों में पदवियां दी गई हैं, महर्षि, परमानंद, सदगुरु, ये सब देवताओं की दी हुई है और हर एक को नहीं मिलती। आप अपने आप इनको लेकर अर्जित नहीं कर सकते। अगली बात, जो हम ट्रेंड की बात कर रहे थे, 2016 के आसपास हमने एक वीडियो देखा था, उसमें बोला गया था कि ऑरा कुछ नहीं होती। किसी ने ऑरा के बारे में पूछा तो बोला ऑरा कुछ नहीं होती, ये भौतिक शरीर जो आपको दिखता है, आप जो आप आसपास काम करते हो इसी पे ध्यान दो, सब ठीक रहेगा। वैसे देखा जाए तो सही भी है कि हम अपना खाना पीना ठीक रखें, नियम ठीक रखें, प्राणायाम करें, व्यायाम करें, पूजा पाठ करें, सेवा करें, तो भी ऊर्जा अच्छी रहती है। लेकिन ये बोलना कि ऑरा कुछ नहीं होती, ये थोड़ा सा गलत है। उसके बाद बातें शुरू हुई कि अच्छा अग्नि शुद्धि क्या होती है, चक्र क्या होते हैं। धीरे धीरे वही सारे सिस्टम जो हम रेकी हीलिंग में अपनाते हैं, वो हमने देखा कि वहां भी धीरे धीरे अपनाए जाने लगे। क्यों? क्योंकि पॉपुलैरिटी। तो ये जो एक डराने का तरीका होता है स्पिरिचुअलिटी में, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, ये बड़े कॉमनली पाया जाता है, और शायद इसी चीज का उपयोग उस संस्था में भी किया गया है। हाँ आशुतोष जी, आपने एक बहुत बिल्कुल सही और बड़ी बात बताई कि वास्तव में भी अधिकतर कई गुरु लोग जो है कई बार ट्रेंड के कारण भी एक कॉन्ट्रोवर्शियल विषय को ले लेते हैं और उसको जो है फिर मार्केट में एक उसके ऊपर जैसे होता है ना कि वाद विवाद शुरू होने लग जाता है। तो अच्छी बात है, थैंक यू आशुतोष जी। आशुतोष जी, आपने देखा होगा कि बहुत बहुत धन्यवाद, रेकी फाउंडेशन जो है वो गुरु बनाता है, चेले नहीं बनाता। एकदम बाकी बराबर सारे आश्रमों में चेले बनते हैं, गुरु कोई नहीं बनता, गुरु एक ही रहता हमेशा। जी, बिल्कुल गुरुमा। और ये जो आप सबसे सबको बड़ी सिखाते त्रुटि हो, हमारा जाग जाओ और रेकी भाग जाओ। फाउंडेशन थी। अच्छा, हमारे साथ में प्रोफेसर डॉक्टर चैतन्य जी अग्रवाल जी हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर हैं और ओशो के बहुत बड़े अनुयायी और भक्त हैं और बहुत जबरदस्त रेखी में और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। तो मैं डॉक्टर चैतन्य से जरा जानना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय। गुरु जी, ओम नमः शिवाय। मेरे रेकी परंपरा में गुरुदेव बसंत जी और माँ उषा जी यहाँ है, मैं उनको चरण स्पर्श करता हूँ। एंड आई वुड लाइक डायरेक्टली टू एड्रेस यू सदगुरु, बिकॉज आई लव यू, आई लव यू। आई हैव बीन विथ यू ऑन सेवरल पाथ्स ऑफ योर प्रोग्राम्स। व्हेन यू डीड कॉन्सेक्रेशन ऑफ दी शिवलिंगा फॉर 5 days, मी विद डॉक्टर मीना जी, वी वेर देयर विथ यू फॉर 5 days, एंड वी हैव सीन द इमेंस ज्ञाना एक्सपीरियंस तंत्रा दैट यू हैव एम्प्लॉयड इन डूइंग दैट। इनफैक्ट द तंत्रा दैट यू एम्प्लॉयड दैट कुड हैव सम सॉर्ट ऑफ कार्मिक बैक, बट समथिंग लाइक रेकी, समथिंग लाइक बीइंग जीरो, बीइंग एम्प्टी, डिजोल्विंग पर्सनॉलिटी, विच इज द इनहेरेंट पार्ट ऑफ दिस हीलिंग टेक्निक। व्हेन यू रिसाइट ए मंत्रा, इट्स नॉट एसेंशियल दैट यू शुड डिजोल्व योअर सेल्फ, योअर ऑरा और योअर ईगो, बट इन रेकी इट इज द एसेंशियल रिक्वायरमेंट। अदर ऑल द टीचर्स ऑफ रेकी, दे टीच दिस इन द लेवल जीरो क्लास, दैट रेकी विल स्टॉप द मोमेंट योर ईगो इज अवेकन्ड, एंड ईगो इज द ओनली कॉज ऑफ एनी कार्मिक प्लेबैक, कार्मिक कलेक्शन। सो हियर देर इज एब्सोल्यूटली नो चांस ऑफ हैविंग एनी कार्मिक इम्पैक्ट।
वंडरफुल कॉन्ट्ररी, ऑन द कॉन्ट्ररी, एज माई फेलो मास्टर्स अवेलेबल हियर डियर सदगुरु, आई गिव यू नमस्कारम. आई एम यूजिंग योर ओन टर्मिनोलॉजी एंड आई रियली अप्रिशिएट. आई वॉज विथ यू वंस इन दी महाशिवरात्रि होल नाइट व्हेन श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी वॉज द चीफ गेस्ट आफ्टर जस्ट आफ्टर द कंसिग्रेशन एंड मेनी अदर प्रोग्राम्स आई डिड विथ यू. आई वॉन्ट टू टेल यू रिस्पेक्टेड सदगुरु नमस्कारम, प्लीज डोंट हेजिटेट टू लर्न वॉट इज रेकी. इट इज वेरी ऑब्वियस दैट यू डोंट नो वॉट इज रेकी. अदरवाइज आई हैव सो मच ऑफ ट्रस्ट इन यू, रिस्पेक्ट इन यू सदगुरु. आई टेल यू आई डू नॉट एग्री विथ सम ऑफ माई फेलो मेंबर्स हु हैव अक्यूज्ड यू दैट यू आर यूजिंग सम कमर्शियल गिमिक्स. आई डोंट एग्री विथ दैम. आई एम सॉरी. I only believe that it's only your procedural ignorance, Sadhguru. Don't feel shy. You are so dynamic. You are young. You can ride on the motorbike from Kashmir to Kanyakumari and way back. You can do anything. I have seen you playing games in your Isha Foundation grounds. You are not at all aged. You are still 16, 20, 25 years of age. Why, Sadhguru, you hesitate in learning Reiki? And Sadhguru, let me tell you, Reiki is not something which is learned from books, from lectures, from YouTube videos, so that like some meager saints you hide. As my Guruji, Sri Sharmaji said that I am associated to Osho. Today, the world knows that every spiritual master on YouTube or on the Vyasapeeth is reading Osho, though they are not declaring. But Reiki can't be done like that. You will have to admit somewhere somebody as your master, your teacher, who is going to make that essential attunement. And that is the master key, where your ego will be subsided. At least when you are doing Reiki prayer, Reiki healing, attunement, you would be free from that I feeling, id, what we call id or ego. That would not be there. So obviously, karmas won't be multiplied in any manner. No question of like multiplying the bad karmas. On the contrary, when a Reiki master, when some Sevak like me, we do that prayer. It is a golden opportunity and the easiest path, Sadhguru, to get free from earlier karmic bondages. Wonderful. Thank you, Dr. Chaitanya. I'm just becoming a medium, Sadhguru, to elevate someone's consciousness to moksha. I don't want to overtake time, but my folded hands, Sadhguru, I wish you spend some time behind the curtains. Nobody is going to declare in public. And I know you are not worried. You are beyond all these small barriers, money, name, fame. You are beyond all them, Sadhguru. You are Shiva. Why are you making a conflict of the energy? This is my very humble हैंड फोल्डेड प्रणाम नमस्कारम के साथ आपको सो हम्बली एंड सो नाइसली यू प्रेजेंटेड डॉक्टर चैतन्य. आई अप्रिशिएट यू. वंडरफुल वंडरफुल. हम आपकी बहुत तारीफ करते हैं. मैं अब हमारे एक बहुत सीनियर मास्टर जो करीब करीब 80 साल से ऊपर हैं, हमारी नील मधु श्रीवास्तव जी, जो कि पहले स्कूल की प्रिंसिपल रही है, 3,000 बच्चों को संभाला है और काफी समय बच्चों के साथ रही है. उसके बाद जब मास्टर बनी तो आज करीब करीब मेरे ख्याल से 35 साल हो गए उनको रेखी क्षेत्र में काम करते हुए. झांसी में रहती है और इतना प्रचार किया और आज भी कर रही है. इस उम्र में जा जाकर घूम घूम कर इनका प्रचार प्रसार कर रही है. तो मैं नील मधु जी से कहूंगा कि जरा आप दो शब्द बताएं जरा, क्योंकि आप बहुत अनुभव प्राप्त कर चुकी हैं जो अभी हमारा विषय चल रहा है. नील मधु जी अपना ऑडियो ऑन कर दीजिए आप. हाँ नील मधु जी अपना ऑडियो ऑन कर दीजिए. नील मधु जी हाँ चलिए, शायद उनको पता नहीं चल रहा है. हमारे साथ में सूरत से रवि रंजन जी जुड़े हुए हैं जो रेकी के अंदर बहुत काम कर रहे हैं सूरत के अंदर. तो मैं जरा रवि रंजन से एक दो मिनट सुनना चाहूंगा.
अरे जी, जो ये ऑडियो ऑडियो ऑन नहीं हुआ। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सबसे पहले डॉक्टर हेलो द्वारा जी, गुरुदेव और गुरु माँ को प्रणाम। मैं और हाँ आज के इस जो विषय पर, जहाँ सदगुरु के बयानों से विवाद पैदा हुआ है और रेकी पर प्रश्न चिन्ह लगाया है सदगुरु ने, तो उस पर इतने विद्वान लोगों का वक्तव्य हुआ। मैं अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स बस इतना ही जोड़ना चाहूंगा कि कई बार जो कर्म की बात होती है कि कर्म के सिद्धांत में हम इंटरफेयर कर रहे हैं रेकी एनर्जी दे के, तो जैसे गुरु माँ ने स्पष्ट किया, तब तो सारे डॉक्टर और सबका प्रोफेशन ही बेकार हो जाएगा, क्योंकि फिर तो किसी की मदद नहीं करनी चाहिए पहली बात। लेकिन यहाँ एक साथ एक और पॉइंट जो लोग कहते हैं, कई लोगों का मानना है कि जब हम ऐसा मानना है, इसकी सच्चाई क्या है कि कई लोग ऐसा मानते हैं, शायद भ्रांतिवश, कि जब हम किसी की हीलिंग करते हैं तो वो एनर्जी हम पर ट्रांसफर हो जाती है, वो एनर्जी हम पर ट्रांसफर हो जाती है। यहाँ कर्म के सिद्धांत के साथ साथ एक दूसरी मान्यता भी पैरेलल चल रही है, और मुझे भी कई लोगों ने ये कहा कि उनकी उनका एनर्जी, जो उनके बैड एनर्जीज थे जिसके कारण वो बीमार थे, जब तुम उसकी हीलिंग करते हो तो वो एनर्जी तुम पर ट्रांसफर हो जाती है। तो भाई आज तक मैं इस बारे में भी कहना चाहूंगा ना, कर्म के, मैं भी 27 साल लगभग हो गए रेकी से जुड़े हुए, तो आज तक कोई बैड ना कर्मा मुझ पे ट्रांसफर हुआ, ना कोई बैड एनर्जी ट्रांसफर हुई। मैं हम अपने परिवार की हीलिंग करते हैं, दूसरों की भी हीलिंग करते हैं। तो इस बारे में रेकी की परंपरा तो आप वेदों से चली आ रही है, महात्मा बुद्ध की परंपरा में चली आ रही है, और जापान जैसे देश ने इसको जागृत किया, और ओशो ने रेकी को प्रचारित प्रसारित किया, उसको स्वीकार्यता दी। तो ये एक शास्त्रीय भी परंपरा है, एक आध्यात्मिक परंपरा है, और इसके वैज्ञानिक आधार भी, जैसे डॉक्टर शर्मा जैसे जिस तरह से जो भी बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो वो वैज्ञानिक आधार पे बात करते हैं। तो इसका एक वैज्ञानिक आधार भी है, शास्त्रीय आधार भी है, और आध्यात्मिक आधार भी है। पहले तो ये मैं कहना चाहूंगा। दूसरी बात कि जहां अगर किसी विवाद की बात आ रही है, तो भारत में शास्त्रार्थ की परंपरा रही है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि भारत में शास्त्रार्थ की परंपरा रही है। अगर सदगुरु जैसे लोगों को, तो पहले मैं प्रणाम करता हूं, भारत की संत परंपरा को हम प्रणाम करते हैं, और बड़े सम्मान से नाम लेते हुए मैं सदगुरु से आवाहन करता हूं कि यदि आपको रेकी के बारे में, आपके मन में कोई भी धारणा है, तो रेकी के महानतम रेकी की हस्तियां बैठी हैं, डॉक्टर एनके शर्मा, डॉक्टर सविता शर्मा, आप कभी समय निकालिए और डॉक्टर शर्मा से शास्त्रार्थ कीजिए। आप अपने जितने भी आपके डाउट हैं वह डॉक्टर शर्मा के सामने लाइए कि इससे कर्मों का हस्तांतरण होता है या एनर्जी का ट्रांसफर होता है, और भारत में एक शास्त्रार्थ की परंपरा रही है, तो आप आमने सामने आके डिबेट कीजिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप डॉक्टर साहब जैसे और मैडम सरिता शर्मा जैसे लोगों के सामने बैठेंगे, तो सदगुरु खुद भी बहुत विद्वान आत्मा है, लेकिन उनके भी अगर कुछ डाउट हैं रेकी के बारे में जिस कारण वो ऐसा बोल रहे हैं, तो जब वो शास्त्रार्थ करेंगे तो वो डाउट भी उनका क्लियर हो जाएगा, उनके सारे जो अगर कुछ भ्रम हैं या गलत फहमियां हैं वो दूर हो जाएंगी। और रेकी के, वह भी, मेरा पूरा विश्वास है कि रेकी को वो भी स्वीकार ही नहीं करेंगे बल्कि प्रचार प्रसार भी करेंगे। एक और बहुत पॉइंट कि रेकी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रवि, बिल्कुल सही कहा कि अगर किसी विषय के बारे में स्पष्टता नहीं है तो वो वास्तव में भी एक प्रकार से शास्त्रार्थ करके जो जानकार है इस फील्ड के उनसे जो है इसके बारे में और हम लोग तो स्पष्ट चाहेंगे, होना ये हमारा सौभाग्य होगा कि अगर सदगुरु के साथ में हमारा रेकी के साथ में हमारी अगर मुलाकात चर्चा होती हो है तो तो ये हमें, हमारा हम प्रपोजल सौभाग्य देंगे, होगा, बिल्कुल हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा और हम सोशल चाहेंगे मीडिया के माध्यम से सदगुरु। प्रपोजल देंगे उनको। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हमारे साथ में डॉक्टर प्रवीण क्वात्रा जुड़ी हुई है। मैं जरा हमारे बहुत सीनियर सीनियर मास्टर्स को पहले ले रहा हूँ। डॉक्टर प्रवीण क्वात्रा चंडीगढ़ में आयुर्वेदिक की जो है प्रोफेसर भी रही है और आयुर्वेदिक कॉलेज में पढ़ाती भी रही है और रेकी में कई सालों से बहुत ही जबरदस्त काम कर रही है और बहुत गहरा अनुभव है रेकी के बारे में। तो प्रवीण क्वात्रा जी, जरा प्लीज बताइए आप। मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर? हाँ जी, आ रही, आ रही, आ हाँ रही। जी, प्रणाम। हाँ मैं
आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी डॉक्टर बहुत सारे लोगों से जुड़ी और बहुत को आयुर्वेद ये रेखी सिखाई, तो वो लोग बोलते थे इसकी साइंस क्या है, तो मैंने कहा करती थी कि लॉ ऑफ यूनिवर्स कहता है कि हम वननेस से जुड़े हुए हैं, हम एक दूसरे के संग जुड़े हुए हैं, तो जब हम एक दूसरे के संग जुड़े हुए हैं तो हमारे कार्मिक आपस में भी जुड़ सकते हैं, या कार्मिक को छोड़ो हम एक दूसरे से जुड़े हैं तो हम टेलीपैथी करते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हमारी बॉडी में वाइब्रेशन होती है उससे हम टेलीपैथी करते हैं। तो ये सब रेकी से हमने सीखा, उसको समझा, फिर उसके बाद जब मैंने उनको ठीक करती थी और उनको बोलती थी दवाई तुम चार्ज करके लो तो उनको रिजल्ट अच्छे मिलते थे, उनसे तभी कंपेयर करती थी, अच्छा अब तुम बिना रेकी करे लो और अब बिना रेकी करके लो तो रिजल्ट सामने आते थे, तो उनका विश्वास बढ़ता चला गया, पानी चार्ज करके पीते, जब वो चीज प्रैक्टिकली वो लोग अनुभव करने लगे तो रेकी से जुड़ने लगे और रेकी को मानने लगे। और जैसा सर आपको पता है विद्या शक्तिपात हम करते हैं, तो उससे क्या होता है विद्या शक्तिपात में यूज ग्रुप में करते हैं और सब स्टूडेंट को जब फायदा होता है तो नेचुरली वो रेकी से जुड़ते हैं, तो वहां कहीं ना कहीं वो एनर्जी उन तक पहुंचती है। तो अब हम लोग गुरु माँ हमेशा अर्थ ही रेकी कराते हैं, तो उसमें अर्थ में हम किससे कार्मिक से जुड़े, अर्थ में तो हम हरेक को कर रहे हैं, प्लांट को, एनिमल्स को, ह्यूमन बीइंग को, पत्थर को, सबको माँ सिखाती है जल थल में सब में रेकी करो, तो हम कहाँ कहाँ कार्मिक अपने जोड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि रेकी तो हम तो पाइपलाइन है जैसे आप बोलते हो, और हमारे पंख लगा के आप हमें छोड़ देते हो, तो हम लोग कितनी रिसर्च करते हैं, तो अगर हम लोग डाटा इकट्ठा करने लगे तो सबके रिजल्ट आएंगे और पता चलेगा कि किस कितनी जल्दी रेगी से लोग ठीक होते हैं। तो बहुत मैं तुमको ये बहुत धन्यवाद थैंक यू करूंगी, आपका थैंक यू पिछले दिनों थैंक आयुर्वेद पे भी बहुत चला, तो वो भी लगता था यार हमारी इतनी पुरानी प्रथा, हमारे इतने पुराने वेद चले आ रहे हैं, क्यों उसको कंडम किया जाता है, उसको आगे क्यों नहीं लाया जाता, तो अब ये रेकी भी उसमें जुड़ गई है, तो अभी तक तो आयुर्वेद और नेचुरोपैथी ये सब चल रहा था, तो रेकी को भी आगे बढ़ाते हैं और अपनी संस्कृति को आगे लाने के लिए डॉक्टर साहब हमें जुड़ना ही पड़ेगा, हम लोग अलग थलग नहीं रहेंगे, जुड़ के हम अपनी चलिए। संस्कृति को लाएंगे। रेकी को जापान की खाली आपने ही तो सिखाया था कि हमारे बुद्ध ने, हमारे गुरुओं ने, ऋषि मुनि आशीर्वाद से करते कि आपका सिखाया ज्ञान है ये भारत की संस्कृति है, तो हम इसको कैसे पीछे जाने देंगे। तो चलिए, मैं तो धन्यवाद करती हूँ आपका कि आपने ये टॉपिक लिया है। नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन बहुत जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, हमारे अर्थ साथ हीलिंग की जो तुमने बात बताई ये बहुत बड़ी बात बताई, हम जब अर्थ हीलिंग करते हैं तो हम तो पूरे संसार को, सारे जीवों को हम एनर्जी भेजते हैं, तो जरा सोचो बिल्कुल ये कितना बड़ा कर्म बंधन हो गया, क्या हम जीवों का भला करके कर्म बंधन कर रहे हैं, क्या हम अपने कर्मों से मुक्ति पा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है हमारे लिए। बंधन, गुरुमा कर्म हम बंधन सबसे बड़ा। अपने अर्थ की हीलिंग कर रहे हैं क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है, झगड़े, लड़ाई, युद्ध, तो अर्थ को बहुत सख्त जरूरत है। मैं हमेशा आपको कहती हूँ माँ, आप अर्थ की हीलिंग करते रहो, हमने शुरू कर दिया है कि हम लोग हर बंधन हफ्ते अर्थ की हीलिंग करते हैं। बहुत बंधन बंधन बढ़िया। हाँ, सुजाता मुरली जी हमारी सीनियर मास्टर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो पहले मस्कट में काफी साल रही हैं और अब आजकल इंडिया आ गई हैं। तो सुजाता जी, आपका भी बहुत गहरा अनुभव है, बहुत आपने हजारों लोग को आपने रेखी सिखाई है, जरा आप अपने विचार रखिए। साई राम गुरुमा गुरु जी, साई राम साई साई राम राम साई साई राम। राम। आज का ये जो टॉपिक है बहुत ही कंट्रोवर्शियल, लोगों के डाउट्स को क्लियर करने के लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए ये जो आपने टॉपिक लिया है, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। वी हैव टू जस्ट थैंक रेकी कि उसके वजह से आज ये हो रहा है। रेकी जो है, हम इतने लोगों से इतने जमाने सीखते आ रहे हैं कि जापनीज टेक्निक तो एक नाम दिया है, लेकिन है तो हमारे वेदों से ही ना, वो अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन एंड जैसे सब लोगों ने बोला है, रेकी, आई टेल टू माई स्टूडेंट्स, रेकी इज नथिंग बट रेकी इज लव। सो दैट मीन्स लव करना गुना है, लोगों को प्यार देना गुना है, बिकॉज इट इज लव एंड इट इज अनकंडीशनल डिवाइन लव। वी आर नॉट गिविंग अ कंडीशनल लव, वी आर गिविंग अनकंडीशनल। सो इससे तो जो जो है कि हम, हमारा एनर्जी और एक्सपैंड हो रहा है। और मैं तो एक स्टेप और आगे जाती हूँ कि भी अगर कर्मा है बोलते हैं, तो हर कोई जना जो इस संसार में आ रहा है, कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट लेके ही आ रहा है। तो अगर कर्मा है तो होने दो, इसमें क्या हो जाता है? कर्मा कौन सा, कोई भूत या कोई हवा तो नहीं है कि भी हमको एक कर्मा किया है कि ये हो गया है या वो हो गया है। तो ठीक है, मैं उस कर्मा को क्लियर करने के लिए आई हूँ या उस कर्मा को लेने के लिए आई हूँ। और किसी को भी एक डेथ का कॉज तो हर किसी के लिए होना ही है। कोई, हम अगर इस अर्थ में आए हैं तो ये तो नहीं है कि भी हम मरेंगे नहीं, तो ठीक है। एंड आई फील दैट देर आर सो मेनी पीपल हु आर क्लीनिंग द रोड्स एंड डूइंग,
तो उनको भी क्या बीमारियां आ जाती हैं? हर कोई जना उस जॉब में नहीं जाएगा, तो उस तरीके से रेकी ऑल्सो विल बी चूजिंग ओनली द पीपल हु कैन रियली हैव द हार्ट टू क्लियर द कर्मास ऑल्सो. आई फील दैट इट इज नथिंग रॉन्ग इफ इट इज डन, बट इट इज सिंपल लव दैट वी आर गिविंग, एंड फॉर दैट लव वी आर ओनली इग्नाइटिंग द लव विच इज देयर विद इन एवरी वन. तो क्या बहुत बढ़िया सुझाव था, बहुत सेवा बात किया तुमने जो कहा, रेकी इज ए केयर एंड लव, और केयर एंड लव करके अगर कर्म बंधन होता तो होने दे. हाँ, और ये और मतलब ऐसे ऐसे अगर कर्म बंधन है तो भगवान और आदमी कोई बात नहीं, हम तो प्यार और प्रेम सबसे करना बड़ी खुशी चाहेंगे. रेकी है कि हमको भी कर्म बंधन से मुक्त कराती है और दूसरों के कर्म बंधन से मुक्त कराती हाँ, है. सबसे बड़ी खूबी है रेकी की जो हमें समझना है. जहां सब लोगों ने कहा, मैं ये मानती हूँ कि जहां हम ये ईगो ले लेते हैं ना कि ये मैं कर रही हूँ, कि आज के डेट में मेरे खुद के इतने स्टूडेंट्स हैं और वो लोग जब भी हो थैंक यू गुरु माँ, थैंक यू सुधा, तो मेरे को थैंक यू मत बोलो, जो कुछ भी बोलना है थैंक रेकी, बिकॉज जो कुछ भी कर रही है वो रेकी कर रही है, एंड इट इज योर बिलीफ एंड इट इज योर थिंग विच इज डूइंग. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट थिंग्स आर वर्किंग, इट्स ऑल ड्यू टू रेकी. सो गिव थैंक्स टू रेकी, गिव बिल्कुल, ग्रेटिट्यूड हम सुझाता, बहुत अच्छी बात है. सब चैनल हैं, हमारे थ्रू एनर्जी जाती है, दैट्स ऑल. जो काम करना वो एनर्जी काम करती है, हम तो सिर्फ एक जरिया है. यस, द ईगो आने से ही जो है वी फील दैट, और आई थिंक दैट फियर, फियर तो किसी भी जगह पे अगर ये फियर रहेगा, मैं कहती हूँ कि वही ना कि अगर होता है तो होने दो, क्या है, इफ मे बी आई हैव कम फॉर दैट एंड आई विल क्लियर इट, यस, इट्स रेकी ने सबसे बड़ा काम क्या किया कि हमें बीच में से हटा के अलग कर दिया. ये सबसे बड़ा काम किया, नहीं तो ये बीच में से हटना आसान काम नहीं होता, लेकिन रेकी ने ये काम कर दिखाया. बहुत बढ़िया बात है. हमारे साथ डॉक्टर सिंधु गुप्ता जुड़ी हुई है, जो बहुत ही जैसे हमारी हमारे नील मधु श्रीवास्तव जी वैसी तरह बहुत ही लंबे समय से, करीब 30 साल से इस क्षेत्र में काम कर रही हैं और बहुत ही मतलब रेकी में गहरे अनुभव प्राप्त कर चुकी हैं. तो डॉक्टर सिंधु गुप्ता जी आप आइए प्लीज, जरा ऑडियो ऑडियो ऑन कर दीजिएगा प्लीज. हाँ नमस्कार गुरु माँ, नमस्कार गुरु जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार. नमस्ते. सुजाता. आज सब भी बहुत पुराने पुराने रवि रंजन जी, सब पुराने लोगों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है. और आप लोगों ने मेरे को बुलाया इस प्लेटफॉर्म पे रेकी के बारे में, और जो क्योंकि रेकी, जिस दिन से मैं रेकी फर्स्ट लेवल में आई हूँ उसके बाद मुड़ के नहीं देखा. रेकी एक पैशन हो गया है, और रेकी अपने आप में ही इतना लव सेटिस्फेक्शन क्रिएट कर देती है, और हम जिसको भी सिखाते हैं उससे हम लोग जुड़ जाते हैं, और एक तरह से हम पूरे देश में कह लो विश्व में प्रेम फैला रहे हैं. और कौन ठीक होगा कौन ठीक नहीं होगा वो जजमेंट हम करते ही नहीं है, क्योंकि हमने अपने आप को निकाल दिया बाहर. और जहां तक ये कर्म बंधन की बात होती है, कर्म बंधन देखिए, कोई कर्म बंधन कुछ नहीं होता. हमारे सामने तो जो आया, ईश्वर ने, डिवाइन ने हमारे पास जो भी, जिसको भी ठीक करने के लिए भेजा, हमको भी चूज किया गया है इस लाइन में आने के लिए. अदरवाइज मैं एक सिंपल हाउसवाइफ थी, जस्ट अपना परिवार देख रही थी. मेरे ब्रदर इन लॉ ने बोला भाभी आप रेकी सीखे, बहुत अच्छी चीज है. और वो दिन है और आज का दिन है कि चूज किया था. अदरवाइज कोई, जैसा कहें कि बहुत कोई एजुकेशन थी या कोई बहुत मेडिकल नॉलेज थी, कुछ नहीं थी. तो एक आज आम इंसान इस चीज को सीख के अपनी अर्निंग भी कर पा रहा है, प्लस अपने अंदर एक आत्मविश्वास पैदा कर रहा है, अपने कॉन्फिडेंस दे रहा है, और आपके जरिए ही बहुत लोग इससे उठ रहे हैं. अगर हम देखें तो हमने अपने जीवन में प्रॉस्पेरिटी ही पाई है, हर रोग मुक्त तो हुई है, सब ऑल फील्ड से ही हम लोगों को और जितनों को हमने सिखाया है. और रेकी उसी को फायदा करती है जो रेगुलरली इसको करता है. एक बार सीख के यदि किसी ने रेगुलर प्रैक्टिस नहीं की तो वो जहाँ है वहीं वहीं रहने वाला है. तो इट नीड्स रेगुलर प्रैक्टिस, चाहे आप दूसरों को सिखाने के लिए करें, चाहे आप अपने लिए करें. तो रेकी तो मैं कहती हूँ कि वंडर्स है, हर घर में रेकी होनी ही चाहिए. अगर मेरे हिसाब से, मैं तो गुरु माँ गुरु जी से हमेशा शुरू से ही बोलती हूँ कि फ्रॉम 8 onwards स्कूल्स में रेकी इज मस्ट सब्जेक्ट फॉर एवरीवन. सो दैट बिकॉज बिल्कुल ये आपको इनर जाना सिखाता है, अपने अंदर की कमियों को पहचानना सिखाता है, आप बाहर पॉइंट आउट नहीं करते. आज तक अगर मैं बीमार पड़ती हूँ या मेरे अंदर कोई भी कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस आता है, तो आई जस्ट चेक माई सेल्फ कि मेरा कहाँ पे क्या इमोशन गलत हुआ. तो एक सेल्फ रियलाइजेशन का प्रोसेस चल जाता है. तो सही बिल्कुल गलत कुछ नहीं होता. गुरु माँ गुरु जी का तो जितना धन्यवाद करूं उतना कम है. और सदगुरु जी जो भी इसके बारे में बोलते हैं वो उनकी अपनी धारणा है. हर कोई देखिए, बिल्कुल
थोड़ा नेट थोड़ा सा रुक गया लगता है सिंधु जी। कोई बात नहीं, मैं फिर आपके साथ वापिस जुड़ता हूँ। नील मधु जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? आप है थोड़ा एक्टिव नील मधु जी, क्योंकि वो थोड़ा जी जी सर, आप नील मधु जी, मैं नील आपका जी मैं आपके नील वचन मधु श्रीवास्तव चाहिए। आप सबको प्रणाम करती हूँ। हाँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सबको मैंने नमस्कार। हाँ, नील ना मधु जी बोलते हैं। जी, हाँ हाँ नील मधु हाँ जी, आप जी, भी बताएं। थैंक हाँ यू गुरु माँ, थैंक यू गुरु जी। थैंक यू सर, थैंक यू। जी, मैंने एक रेकी आपके यहाँ से रेकी सीखी, और रेकी सीखने के बाद आप समझ लीजिए कि मेरा तो जीवन ही बदल गया है। रेकी कोई साधारण चीज नहीं, रेकी तो ज्ञान का एक प्रकाश जो आपके घर को प्रकाशित करने वाले चिराग। अगर वो नहीं है तो अंधकार, अंधकार फिर आप क्या कुछ नहीं कर सकते। तो इसके बारे में ये सोच लेना कि इससे हमारे कर्मबंधन, दूसरे के कर्मबंधन हमारे ऊपर आते हैं, ऐसा नहीं। ऐसा है कि ये हमारी सिंपैथी और प्रेम के ऊपर आधारित। अगर हम किसी व्यक्ति को देखते हैं कि परेशानी में है, हमारे अंदर से अपने आप ये भाव उठता है कि इसे हमें ठीक करना है, तो हम आपकी रीति के द्वारा उस व्यक्ति को ठीक कर देते। उसके कर्म बंधन हमारे पास तो उसको लेके आए हैं, और हमारी ऊर्जा से उसके कर्म बंधन छूट जाते हैं। हमको नहीं लगती, क्योंकि रेखी हमारे अंदर से जा करके वो हमारा भी कल्याण करती है और दूसरे का भी करती है। ठीक है, और मैंने तो बहुत से लोगों को ठीक किया हुआ है। देखिए, जहां पर डॉक्टर्स हाथ खड़े कर देते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर्स हाथ खड़े कर देते हैं, वो ये कहते हैं कि पेशेंट हमारे बस का नहीं है, वो पेशेंट को हम लोग आसानी से ठीक कर दे, क्या दिक्कत है? और उसके कोई कर्मबंधन हमारे साथ नहीं। ये सोच लेना कि कर्मबंधन लगने कैसे लगेंगे, क्योंकि रेकी तो प्यार पे आधारित। इसका उद्गम क्या है? इसका उद्गम हमारे हृदय और हमारा क्राउन चक्र है। क्राउन चक्र और हृदय से उत्पन्न होकर के हमारे हाथों से प्रवाहित, इसीलिए कहते हैं हमारे हाथ वो भगवान स्वरूप है। ठीक है, माई हैंड्स आर ए गिफ्ट ऑफ डिवाइन हैविंग ऑल बहुत हीलिंग पावर। हमारे बहुत पास बहुत बहुत शुक्रिया पावर नील मधु है जी, आपके क्योंकि, विचार रखने के लिए। हाँ, हाँ, हमारे साथ नीरू क्योंकि रेखी कौन है ये? नीरू, हाँ नीरू खन्ना जी। रेखी हमारा कल्याण करते हुए दूसरे का करती है, तो कुछ नहीं लगती, कुछ ना कर चलिए लगती, क्यों बहुत, हाँ धन्यवाद उसको नील मधु जी, बहुत ज्ञान बहुत का दूसरे धन्यवाद। ने। हम आगे बढ़ रहे हैं। नीरू खन्ना जी, थैंक यू, नीरू जी, हाँ नीरू जी, थैंक यू, थैंक यू वेलकम वेरी टू मच। नीरू जी। हाँ हाँ नीरू जी, नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार नमस्कार सविता दीदी। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज आपके साथ मिलके बैठ के इस चर्चा में डिस्कशन करने का मौका मिला। मेरे सारे मास्टर्स मौजूद हैं। मुझे ये सबसे बड़ी खुशी हो रही है कि आज मैं ऑस्ट्रेलिया में सविता। बैठ के आप सबको देख पा रही हूँ और आपसे बात कर पा रही हूँ। आज का विषय जो है वो सद्गुरु ने जो भी पॉइंट उठाया है, मेरा तो ये मानना है कि हम जो भी कर्म करते हैं इसमें हमारा तो कोई कर्म ही नहीं होता, हम तो यूनिवर्स से लेते हैं और आगे पहुंचा देते हैं, तो इसमें हमारा कर्म बंधन का तो सवाल ही कहीं पैदा नहीं होता। और जितने लोग बीमार पीड़ित लोग हैं जिनको कहीं से कुछ सुविधा नहीं मिलती है, मेडिकल साइंस भी जहाँ फेल हो जाती है, वहां पर जाकर अगर रेकी करने से किसी व्यक्ति को शांति मिलती है, सुकून मिलता है और वो हील हो जाता है, तो इससे बड़ी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। वंडरफुल, हमारे डॉक्टर्स जो नहीं कर पा रहे हैं, और जब पेशेंट घर में आ गया है उसके परिवार वाले सब परेशान हो गए हैं, और वहां रेकी जब काम करती है तो वो लोग इतनी दुआएं देते हैं, इतनी दुआएं देते हैं कि मुझे लगता है कि हमारे कर्म और अच्छे ही होते हैं, बिगड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि रेकी एक ऐसी शक्ति है कि वो अच्छा ही अच्छा करती है, हमारे कर्म अच्छे ही करते हैं। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स बुलाते हैं और मैं कई जगह जाती भी हूँ, वहाँ डिप्रेशन के केसेस होते हैं, उनको हील करने के लिए कई बार हमें बुलाया जाता है, तो वहां जाकर ये लोग पूरा विश्वास करते हैं कि हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं और हमारे माध्यम से जो यूनिवर्स से एनर्जी मिलती है वो उनको हील करती है। तो मैं नहीं समझती कि इसमें हमारे कर्म बंधन किसी के लिए बनते हैं,
मैं तो समझती हूँ कि एक अच्छे ही कर्म हम कर रहे हैं जिसका परिणाम हमें मिलता है। मुझे 25 वर्ष हो गए रेकी करते हुए, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और मिडल ईस्ट में भी मैंने सब जगह करी, लाखों स्टूडेंट्स रहे, सब रहे, और आज तक सभी को बेनिफिट ही हुआ। हर किसी ने, एक ने मुझसे सीखी तो उन्होंने कई लोगों को भेजा, उनके परिवार वालों को फायदा हुआ, और वो सब के सब आपके साथ जुड़ के अगर आपको गुरु की उपाधि देते हैं तो वो एक सम्मान है। बल्कि हम लोग एक मीडियम है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है, लेकिन वो माध्यम जो है वो अपना काम करता है और उन सबको फायदा होता है, जिसमें कर्म बंधन हमारे बिल्कुल भी नहीं, हम बनते हैं किसी कर्म से, बल्कि हमारे जो पुराने कर्म होते हैं वो रिलीज होते हैं और हमें बिल्कुल आगे बिल्कुल सही बोला अध्यात्म आपने, में रास्ता मिलता है और आगे जाने का। सही बात है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, रास्ते रास्ते खुलते हैं हमारे, कर्म बंधन जी खत्म होते हैं, नए नए रास्ते खुलते हैं हमारे जी लिए। बिल्कुल बिल्कुल बहुत जी, बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया बताया आपने, बहुत ही वाकई में। मंतोष मीना हमारे साथ जुड़ी हुई है, मंतोष मीना ऑडियो ऑन कर दीजिए जरा। हाँ मंतोष, गुरु और गुरु जी को चरण स्पर्श। मैं काफी टाइम से 99 से रेकी से जुड़ी हुई हूँ, और मेरे जो फादर लॉ थे उनको पैरलेस था, और पैरलेस के कारण में कोई मंदिर नहीं छोड़ा, कोई जगह नहीं छोड़ी, लेकिन रेकी का जो मेरे पास आई, रेकी के बाद में एक एरोप्लेन की तरह सारे कष्ट दूर हो गए हैं। और मेरी मम्मी भी आज 107 साल की होने जा रही है, उनको भी बिल्कुल मैं यहाँ से घर बैठे हीलिंग करती हूँ। हम कुछ नहीं करते हैं, हमें यूनिवर्स जोड़ता है, हम माध्यम बनते हैं, और सभी ये सब प्रेम भावना त्याग तपस्या के ही कारण होता है, रेगुलर मेडिटेशन करने से ही होता है। गुरु जी जो बोल रहे हैं, हमारे गुरु सतगुरु जी बोल रहे हैं, वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये जो भारत है, इंडिया है, ये सभी धर्मों को माना जाता है, तो रेकी तो एक यूनिवर्स तरंगे हैं, वो हम तरंगों के माध्यम से ये एनर्जी भेजते हैं, एनर्जी से सभी लोगों को फायदा मिलता है, और गुरुमार गुरु जी के माध्यम से हम ग्लोबल को हीलिंग करते हैं, हर जीव जंतु पेड़ पौधों को हीलिंग मिलती है, और हर 5-10 मिनट में वो ठीक हो जाते हैं, इससे बड़ी और बात क्या है। मैं बहुत गुरु माँ को बढ़िया, बहुत और बढ़िया, सब बहुत सभी बढ़िया, बहुत बढ़िया। मास्टर्स को मैं सत नमन करती हूँ कि हमारी रेकी रेकी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मीना, बहुत थैंक यू बढ़िया। बिल्कुल थैंक हाँ, यू। मैं अंत में बस समाप्त करने जा रहा हूँ। हमारे साथ हीर आनंद जुड़ी हुई है चंडीगढ़ से। हीर आनंद जी, जरा बस समाप्त करने से पहले आपके 2 शब्द हम सुनना चाहेंगे। हीर आनंद, शायद, हाँ, हीर आनंद जी, ऑडियो ऑन कर आप लो ऑडियो ऑन कर अपना दीजिए। मत हाँ, जी। नमस्कार गुरु माँ गुरुदेव। नमस्कार, नमस्ते नमस्ते। नमस्कार। गुरुदेव बल आप समझ लीजिए कि आपने मुझे पैनल पे लिया है ना, मेरा इतना बड़ा काम आज मैंने छोड़ दिया एक इस पॉइंट पर डिस्कशन करने के लिए। मैं कभी पर्सनल मिलूंगी तब बताऊंगी मैंने कितना बड़ा काम छोड़ा है, सिर्फ इसलिए कि कंडीशन थी कि या तो आप ये कर सकते हो या ये कर सकते हो। और क्योंकि मैंने पहले एक बार देखा था, मैंने इनके बारे में एक वीडियो देखा था, उसी से मुझे पता चला था कि ये रेकी के बारे में क्या बोल रहे हैं। उस समय से मेरे मुझे मतलब कहीं मौका नहीं मिला कि मैं ये बकू के व्हाट इज रेकी, रेकी है क्या। अरे भाई रेकी तो प्राण ऊर्जा है जो चीज लोगों को खुशियां दे सकती है, जो आप नहीं कर सकते, जो डॉक्टर नहीं कर सकते, वो ये रेकी कर रही है तो ये बुरी कैसे हो सकती है। इस बढ़िया, ये मतलब आप, मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी कि इस टॉपिक पे मैं बोलूंगी पर मैं बोल नहीं पाई। हम सदगुरु जी का नमस्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, बात ठीक है, पर जो उन्होंने जिस तरीके से एक दूसरी ऊर्जा के बारे में नेगेटिव बोला है वो भी सही नहीं है। मैं उन्हीं की अभी कुछ दिनों पहले उन्हीं की एक शिष्या से मिली थी, और उससे आधा घंटे गुरुमा मैंने बात की, और आधा घंटे बात करने के बाद मुझे उस पर दया आ गई कि ये बेचारी कहाँ भटक रही है। उस लड़की को मैंने रेकी के बारे में बताया और वो बहुत लड़की मेरी शिष्या है। बढ़िया। नहीं, होते हैं कई लोग होते हैं जो जानते नहीं ना, जब जान जाते हैं तो फिर वो उसके भगत बन जाते हैं।
हाँ, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मुझे अभी 8-9 महीने हुए हैं इसमें, और मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि मैं इस फील्ड में आकर के अर्न भी कर सकती हूँ इस उम्र में आकर के। कोई मुझे नॉलेज नहीं, कुछ भी नहीं, आज मैं अर्न कर रही हूँ, लोगों का इलाज कर रही हूँ। जो ऐसे ऐसे केसेस हैं, जो इनके गुरु माँ, मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे पंडितों ने ऐसे लोगों को मतलब गुमराह किया कि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम मर जाओगे, तुम इतने लाख रुपए खर्च करो, ये करो वो करो, और एक सेशन में मेरे क्लाइंट्स ठीक हो जाते हैं। यही तो बहुत देखिए बड़ी खूबी बात। है जी रानी, यही तो खूबी है तो देखिए। ये गलत कैसे हो सकती है? कार्मिक बंधन, ऐसे तो सारे हॉस्पिटल्स बंद हो जाने चाहिए। कार्मिक बंधनों की अगर बात की जाए तो जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं या अभी भी हैं या पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, सभी रेख ही देते हैं, नाम कुछ भी रखे हैं वो। रेकी ये पानी मैं है, अपने, हाँ रेकी जल है, रेकी नहीं, वो जल जो है, रेकी यूनिवर्स पानी की। एक मिनट मैं बीच में टोकूंगा आपको। मुझे जी, काफी स्टूडेंट पूछते हैं बीच में कि किसी का हमने रेकी का उपचार किया तो वो हमारे ऊपर आता है। मैं उनको सिंपल हंसते हंसते बता देता हूँ, देखो रेकी है ना पानी है, और कबीर जी ने कहा है, कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, अरे बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। तो पानी रेकी है, यूनिवर्सल पानी की टंकी है, तुम नल हो और बिल्कुल तुम्हारा सही कह, मरीज जो वो पानी की टंकी है, धोने वो नहा रहा है, तो यूनिवर्स से आ रहा है, नल से जा रहा बिल्कुल है, सही नहाने कह रहे वाला हैं। नहा रहा है, तुम्हारा क्या जा रहा है भाई, जाने दो नहाने दो उसको। सही बात है। ऐसे ऐसे हमारे कितने महापुरुष हुए हैं जो हमें हाथ से अगर ऐसे करते हैं, वो क्या है, वो रेकी ही है, वो नाम कुछ भी नहीं, आशीर्वाद देते हैं रेकी ही देते हैं, नाम को बहुत कुछ भी, उसका नाम कुछ भी रखें। जो जो लोग आप नहीं कर सकते वो हम कर रहे हैं, तो उसमें बुराई क्या है? बहुत एकदम बढ़िया, सही, तो बहुत बढ़िया हीर आनंद, आप सब लोगों और के एक विचार गुरु जी, हमको एक बात मिले। और, एक बात और, मैंने खुद सदगुरु जी महाराज का एक वीडियो देखा जिसमें वो खुद एक ऐसा सिंबल जो हमारे रेकी में यूज होता है उसको वो अपने भक्तों को बता रहे थे कि इसको यूज करो, इसको आप अपने कमरे में लगाएंगे तो वहां की ऊर्जा बैलेंस होती है। इसका मतलब वो भी रेकी करते हैं, बस लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये मेरा कहना। वंडरफुल, और थैंक मैं यू बड़े चलिए, बड़े दम बहुत से अच्छी बोल बात सकती, ये है। बात बहुत खैर दम से बोल सकती हूँ, खैर वो खुद भी रेकी आज करते इस हैं वीडियो के और लोगों को माध्यम गुमराह से करते हैं। मैं बस हम सब लोग मिलकर सदगुरु से, बस जैसे बोलते हैं ना, हम प्रेम भाव से उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई जो जी विद्या के बारे में आप थोड़े अनजान हैं तो आप प्लीज उस विद्या की गहराई में जाएं, और बाद में कुछ बयान करेंगे तो लाखों लोगों का भला होगा, क्योंकि आपका एक एक वचन लोगों के लिए सद वचन होता है। तो इस तरह से, सद तो वचन होता है, चलिए आप बिल्कुल सब लोगों ने जी समय गुरु जी, निकाला, मैं बहुत बहुत धन्यवाद तो देना हम चाहूंगा। सदगुरु को प्रणाम करते हैं हाँ और धन्यवाद प्रार्थना करते हैं कि सदगुरु रेकी के बारे में जाने और रेकी के बारे जी, में बिल्कुल सही। चलिए मेरी बहुत जी, धन्यवाद बिल्कुल आपने थैंक सबका, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग यू, टुडे, थैंक थैंक यू, यू थैंक वेरी मच। यू, थैंक यू, सर थैंक यू जी, हाँ थैंक जी, मैं अभी एक बात कहना चाहूंगा कि जो बात हीरानंद जी नहीं बोल पाए, संकेत यू। हाँ उन्होंने दिया कि आज के सेशन को अटेंड करने के लिए उन्होंने एक दूसरी जगह को छोड़ा। मैं बताना चाहूंगा कि विपक्षना के अंदर आए हुए थे, और कुछ इस तरह की जब बात मैंने किया, उनको फोन किया तो उनके हस्बैंड ने फोन उठाया, तो पता चला आप वहां पर हैं, तो उन्होंने किसी भी जी तरह इनसे संपर्क किया और आज ये जो बात कर पा रहे हैं, तो वो सेशन वहां से खत्म करके फिर आज ये अरे जुड़े बाप रे, क्या बात है, कमाल है, वंडरफुल हुए। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, और क्या, बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं एक यही कहती हूँ, अच्छा बात, मैं बस थैंक यही यू। कहना चाहती हूँ, इसमें एक बार एक्सपीरियंस करके तो देखो, फिर पता चलेगा कि व्हाट इज रेकी। सही बात है, सही बात है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी रवि मच, जी, सुजाता जी, कैसे ओके हैं? ठीक थैंक यू हो, सर, ठीक ठीक थैंक यू सर, थैंक यू, गुड गुड थैंक गुड, यू, बहुत टाइम के ओके बाद थैंक देखा। यू।